हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का समाचार पत्र है दैनिक जागरण, जो राष्ट्रीय संस्करण है। इस न्यूज़पेपर में देश विदेश से राज्य की पूरी खबर दिया रहता है। दोस्त, इस न्यूज़पेपर में जितना भी हेडलाइन है सभी को मैं बारी बारी से आपको पढ़कर सुनाने वाला हूं, ताकि आपको न्यूज़पेपर की सभी जानकारी मिल सके। अंत में आप इस न्यूज़पेपर को टेलीग्राफ में डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे दिया रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का समाचार पत्र दैनिक जागरण। ये बल्ला हथियार है, कोई खिलौना नहीं, सबक सिखाए बगैर नहीं रुकेंगे, रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कहा। यूक्रेन पर जारी रहेंगे हमले, उसे हथियार मुक्त बनाना हमारा लक्ष्य। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का पलटवार, हम बचाव नहीं, रूसी सेना पर हमला करेंगे। युद्ध का आठवां दिन, रूसी हमलों से यूक्रेन बेहाल, पर कम नहीं हो रहा है मुकाबले का जज्बा। राजधानी क्रीम पर घेरा हुआ तंग, खार्किव में एक दिन में 34 मरे। बंदरगाह वाले शहर पर कब्जे की रणनीति, बलासक्लिया पर रूसी कब्जा। यूक्रेनी शहर से 10 लाख से ज़्यादा लोगों का पलायन। भारत के तटस्थ रुख पर सरकार विपक्ष साथ, हिंदी में भी होगी मेडिकल की पढ़ाई, फीस आधी होगी पीएम। ट्रेनों को दुर्घटना से बचाएगा रेलवे का नया कवच, चीन को क्लाड देशों की चेतावनी। शताब्दी वर्ष में बदल जाएगी दिल्ली विश्वविद्यालय का कलेवर। रैपिड रेल की के भूमिगत कॉरिडोर के लिए सुरंग का काम शुरू। शिक्षा ऋण चुकाने से ज्यादा महत्वपूर्ण है पत्नी और बच्चों की गरिमा। उपराज्यपाल को ज्यादा शक्ति देने का वैधानिकता परखेगा सुप्रीम कोर्ट। डीएमआरसी के एमडी के नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार। गुल्लर की रिहाई पर केंद्र सरकार आदेश से सहमत है दिल्ली सरकार। यातायात चालान नहीं भरने वालों के खिलाफ होगी सख्ती। उमर खाली समय 3 आरोपितों की जमानत अर्जी पर निर्णय सुरक्षित। ग्रेटर कैलाश में भवनों के बेसमेंट में पानी भरने का निदान बताए IIT। गुरुग्राम में रफ्तार का कहर, 2 सड़क हादसे में 9 की मौत। CBSE के टर्म 1 के परिणाम हो रहे हैं देरी का प्रतियोगी परीक्षाओं पर रहेगी असर। गाजियाबाद में PNB के लॉकर से महिला के 70 लाख के जेवर चोरी। विरोध के बाद अभिभाषण छोड़कर चले गए महाराष्ट्र के राज्यपाल। आयकर विभाग ने शिवसेना पार्षद की बेनामी संपत्तियों को पता लगाया। भोपाल में लगी पूर्व CM अर्जुन सिंह की भूमि को अविलंब हटाने का निर्देश। प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित 5 राज्यों को अतिरिक्त केंद्रीय सहायता। भ्रष्टाचार की शिकायतों में 80% की बढ़ोतरी। मुक्त उपहारों के वादों पर नई याचिका सुनने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार। चीनी कंपनी हुआवे कर चोरी के घेरे में। भागवत ने दिया सामाजिक उद्यमता पर जोर। मालिक ने दाऊद के बहन को दिए थे 5 लाख रुपए ED। पर्यावरण ही नहीं, रोजगार भी साधेगा रिसाइकिल उद्योग। यूपी में खेला होवे। उत्तर प्रदेश में 6ठे चरण में 57 सीटों के लिए 54.86% मतदान। स्वामी प्रसाद के बेटे के विरुद्ध आचार संहिता के उल्लंघन का मुकदमा। 2024 तक सभी गरीबों को पक्का मकान। सा बुलडोजर ने माफिया की बोलती बंद की CM। पूर्ववर्ती सरकारों ने गरीबों का हक छीना। उत्तर प्रदेश में सातवें चरण में दागी प्रत्याशियों की भरमार। मैं झुकूंगी नहीं, लड़ूंगी ममता। भाजपा की नीतियां सिर्फ अमीरों के लिए, प्रियंका। सत्ता में आए तो योगी को भेजेंगे मठ में मायावती। पूर्वांचल के उम्मीदवारों में राम नाम की धूम। महिला को धमकी, योगी सरकार बनते ही जान से मार दूंगा।
सख्त सजा व जल्द फैसले से हो सकेगा नशे का नाश। औद्योगिक विकास संभावनाएं और अपार, अब सहयोग दे सरकार। दावे तो हुए बेशुमार, फिर भी नहीं हुआ सुधार। राज्य के आर्थिकी में चमक से साधा वेदना भी। अबोहर में पैर बांध कर गाय की हत्या, लोगों ने जताया रोष। तीसरी लहर में वैक्सीन से बची लोगों की जान, राज्य सुनिश्चित करे कि वैक्सीन की बर्बादी न हो। एक दूसरे की पत्नी से की शादी, समझौते के 3 लाख मांगे तो एक ने दे दी जान। इसलिए अहम है खेरसोन पर रूस का कब्जा। हमले का समर्थन करने पर वर्जीना शिक्षक निलंबित। आईसीसी अभियोजक ने शुरू की यूक्रेन में युद्ध अपराधों की जांच। अपराध न्यायालय के दर्जनों सदस्य देशों ने किया था कार्रवाई का आग्रह। ब्रिटिश विदेश मंत्री ने कहा रूस के बर्बर कृत्यों की तत्काल जांच जरूरी। यूक्रेन को हथियार दे रूस से युद्ध का खतरा पैदा कर रहे नाटो देश। रूसी सेना ने खार्किव में भी हमले से तेज किए हैं। एक बिल्डिंग में लगी आग को बुझाते दमकल कर्मी। रूसी हमलों का डटकर सामना कर रहे यूक्रेन की रक्षा पंक्ति। रूसी रेडियो स्टेशन इको मैक्सिको का प्रसारण बंद। क्रीम में 15,000 लोगों ने सब में ली शरण। युद्ध की विभीषिका खंडरों में बदल रहे हैं शहर। विश्व बैंक ने रूस और बेलारूस में सभी परियोजनाएं रोकी। भारतीयों और विदेशियों को निकालने के लिए 130 बसें तैयार। रूस वार्ता और कूटनीति से निकलेगा यूक्रेन संकट का हल। भारत यूक्रेन से लौटे छात्रों ने पीएम से कहा वहां भगवान के बाद आपका ही भरोसा। पाकिस्तानी और नाइजीरियन खड़े रह गए, हम निकल आए स्वदेश वापसी। ऑपरेशन गंगा के तहत कल तक स्वदेश पहुंच जाएंगे 15,000 छात्र। भारत ने किया साफ, बंधक नहीं है यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्र। रूस का दावा किया खारिज का, छात्रों की निकासी मिल रहा है यूक्रेन का सहयोग। यूक्रेन के रूस पर छात्रों को बंधक बनाने का जवाबी आरोप से भी भारत ने बनाई दूरी। 1400 किमी स्कूटर चलाने वाली महिला का बेटा यूक्रेन में फंसा। भारतीय विद्यार्थियों को ढाल बना रही यूक्रेन की सेना। विदेश नीति का संचालन इसी तरीके से किया जाना चाहिए। थरूर, मेडिकल की पढ़ाई के लिए यूक्रेन नहीं जाना पड़े इस पर सोचना होगा। पाक वायु क्षेत्र का इस्तेमाल नहीं कर रही वायुसेना। यूक्रेन में विद्यार्थियों के लिए भगवान बने भारतीय एजेंट। ग्राम प्रधान लखनऊ पहुंची, जांच प्रारंभ। 11 किलोमीटर के सफर में 10 बार छूकर निकली मौत। भारतीयों को रहने खाने में मदद कर रही है अक्षरधाम संस्था। क्या कोर्ट रूस को युद्ध रोकने का आदेश दे सकता है? मानव सभ्यता की परख का समय, उल्लेखनीय एकजुटता। मेडिकल शिक्षा का कमजोर ढांचा, आदर्श प्रस्तुत करे विश्व शांति। ड्राइविंग कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी कम होता दिख रहा है अमेरिका का वर्चस्व। एक करकानाथ की कथा। भारतीय छात्रों को क्यों भाता है यूक्रेन? प्रजा के सुख में राजा का सुख। समाधान की दिशा में बड़े कदम।
हवाई सेवाओं का सुचारू संचालन, सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूकता, शिक्षकों की भर्ती में भ्रष्टाचार, पुरानी पेंशन की मांग, सेवानिवृत्ति के बाद लौटे फौजी पति को हाथी में बैठाकर घुमाया, 3 दशक में 20 गुना बढ़ा प्लास्टिक का उपयोग, छग में राजस्व न्यायालय में भ्रष्टाचार के खिलाफ वकील करवाए गए प्रतियोगिताएं, लोसर में पर्व शुरू, आम लोगों के लिए खुला मुख्य पद मंदिर, G20 देशों का मंत्री सम्मेलन हो सकता है इंदौर में, महिला आंचल पर मुग्ध थे चंबल के डाकू भी, चंदा कर खरीदी पर्चियां, राजा महेंद्र प्रताप के नाम पर होगा AMU का सिटी स्कूल, सिर्फ बाजार बंद कर रहने से भारत कभी प्रगति नहीं कर पाएगा प्रधानमंत्री मोदी, घाटे को नियंत्रण में रखने के लिए रोजाना होगी राजस्व की निगरानी, अमेजन ने सुप्रीम कोर्ट में फ्यूचर ग्रुप के साथ वार्ता का प्रस्ताव रखा, रूबल रुपये में लेन देन को सरकार से मिल सकती है मंजूरी, स्टेट बैंक ने रूसी संस्थाओं के लेन देन पर लगाई रोक, धोनी बने विंजो के ब्रांड एम्बेसडर, भारतीय चुनौतियों से जूझ रही श्रीलंका की अर्थव्यवस्था, भारत पाक सिंधु आयोग की बैठक में सौहार्दपूर्ण नहीं, आतंकी संगठनों के खात्मे के लिए पाकिस्तान के साथ कर रहे काम, चीन हर मोड़ पर भारत को भड़का रहा है अमेरिका, कैपिटल हिल हिंसा के पीछे ट्रंप का हाथ होने का दावा, परमाणु करार की बाधा दूर करने से ईरान जाएंगे IAEA प्रमुख, H1 वीजा में सुधार के लिए अमेरिका सीनेट में भी पेश, नाइजीरिया सुरक्षा अभियान में 200 अपराधी मारे गए, जय हिंद जय भारत।